आजर भिडियो आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान जो लेक्चर सीरीज चली जोटा कि आम सप्तम अध्याय पढ़ुते तार जार ना थी वंशानुक्रम और विवर्तन तहार यहाँ हूँ पार्ट फाइव भिडियो बुझीगला। आज आम डिस्कसन करलरेडी आम चार्टा पार्ट पढ़ी सारी चार्टा पार्ट्रे आम मेंडेल को जो सब तत्व गुड़ा पढ़ी है जमीक से वंशानुक्रम गोटे अनुवंश विज्ञान को लेकिन गोटे तत्व देते केमी सब संकरण पद्धति थिला विभिन्नता कौन से सब आम चार्टा भिडियो डिस्कसन कर सारी जो मैंने से चार्टा भिडियो देखो आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार लिंक अच्छे आगे जी देखो ताद्वारा कौन हम ना तुम जो मेंडेल को एक संकरण परीक्षण प्रणाली जोटा कि आम यीडियो पढ़ा आम है ठीक से क्लीअर हो ठीक अच्छे चलो तेल भिडियो आरंभ कर। नेक्स्ट देख ते ये जो भिडटा आरंभ करने पूर्व मुझे कहीदे आम प्रीवियस वीडियो रे कौन पढ़ी जो संकरण प्रणाली सब पढ़ी केमी संकरण करुले मेंडेल ताने की आम पढ़ी सारी तेल मुझे संकरण बुझे जदि आराम से जो मेंडेल को एक संकरण परीक्षण भी आराम से बुझीपार बुझीगला। तेल एटी आम मेनली पढ़ा एक संकरण परीक्षा जोटा कि इंग्लीश कौन कहते इंग्लीश कहते मोनोहाइब्रिड तेल मन मान तुम समस्त जान एक हाइब्रिड मान संकर जो संकरण प्रक्रिया को कौन कहला हाइब्रिडाइजेशन से गोटे शब्द आसला हाइब्रिड आउ एक इंग्लीश वर्ड कौन मोनो ताले मोनो हाइब्रिड बोली आपको कहा जाए बुझेगा। जो मोनो हाइब्रिड बोली आपको कहगला तेल आम बुझा ओडिया एक संकरण कौन क्या कहुए तो जो एक संकरण तेल क्या कहुए से भलसे बुझ ताले एक संकरण प्रक्रिया संकरण जी बुझी से एक संकरण आराम से बुझीपार ताले जे एक संकरण कौन ना जे मेंडेल कौन देखिले जो एक जोड़ा सब सी विकल्पी गुण नौते सी जो एक जोड़ा विकल्पी गुण को लेकिन से किसी परीक्षा करुले से जो परीक्षा करुले गोटे जोड़ा ही विकल्पी गुण को लेकिन गोटे जोड़ा जदि विकल्पी गुण निजी कौन कह एक संकरण परीक्षा बोली कह बुझीगला। एक संकरण कौन ताले एक जोड़ा विकल्पी गुण ने जो परीक्षाटा कराला ताको एक संकरण कहला ताले एटी कनसेप्ट आगे क्लियर हो एक जोड़ा कहे माने केतटा विकल्पी गुण रोचे दीटा विकल्पी गुण रोचे किंतु एक जोड़ा ताको निहाउचे बुझीगला। ताले जो एक जोड़ा विकल्पी गुण नहीं कि मेंडेल कौन कले बहुत थर एम परीक्षा करने द्वारा से कौन देखिले ना ये पीढ़ी पर पीढ़ी कौन कौन हूँ से अनुध्यान करके देखले कि प्रत्येक जो शंकर गच्छ हूँ जो संकरण कर सारापर जो गछटा होती जो विकल्पी गुण है विकल्पी गुणटा को कौन कह वंश गतिर कि सूत्र हिसाब से नहीं जोटा कि से किसी गाणितिक प्रणाली में प्रकाश करते कौन सी गाणितिक प्रणाली से आग को बुझा खाली एटी तुम्हें मन रख जो एक संकरण जो प्रक्रिया द्वारा परीक्षा द्वारा मेंडेल कौन अनुध्यान कले कि जे शंकर गछर जो विकल्प गुणटा ये आग को पीढ़ी पर पीढ़ी परिवर्तन होनी सेटा ही कंटिन्यूस चलू थे कौन हो थरे किसी गुण देखा किसी गुण देखा से नहीं कि बुझ से कनसेप्टा केमती कौन गुण देखा कौन ना यो प्रत्येक जोड़ा विकल्पी गुण व जो जोड़ा है कि जो था विकल्पी गुण से कौन हो भितर गोटे प्रभावी है आ गए हूँ अप्रभावी प्रभावी मैंने कौन जे देखा जाए धरा जाओ तो डेगा गचटा टी टी है दुईटा जाक गुण अच्छी किंतु से खाली कौ गुण देखेला टी गुण है अप्रभावी मैंने धर कैपिटल टी स्मॉल टी अच्छी किंतु सी खाली डेगा गुण देखेला किंतु गेड़ा गुण देखेला ना तो यही केस्रे आम कहीपर कि अप्रभावी गुण जोटा जे कि स हुए ना आज प्रभावी गुण सी हूँ स हुए ताले जो प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को लेकिन मेंडेल आउ दुईटा टर्म दे गोटे हूँ दे शुद्ध डेगा आ गोटे दे शुद्ध गेड़ा ताल शुद्ध डेगा किए आगे से बुझा धर से गोटे डेगा गच्छ ना से डेगा गच्छ को लेकिन से गोटे परीक्षा कले माने से डेगा गच्छ ही रिपीटेड रिपीटेड मैंने सबूले से डेगा गच्छ ही नहीं मंजी नहीं कि गच्छ लगे गच्छ लगे द्वारा से देखिले ना जिते थर भी गच्छ लगा सब डेगा गच्छ हिं हो ताले ताकू से कौन ना दे ना सीए ताले शुद्ध डेगा गच्छ माने डेगा गच्छ लगे लगे तु जो मंजीटा है से मंजीटा को सी जिते थर भी पुतिले कौन गच्छ देला से डेगा गच्छ ही दौची ताले से डेगा गच्छ ही दौची ताकू ही सी शुद्ध डेगा गच्छ कहले से भाया।
ତାପରେ ଏବେ ବୁଝିବା ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା ଗଛ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଗେଡ଼ା ଗଛକୁ ନେଇକି ସେ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲେ, ମାନେ ସେଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ହେଲା ସେ ମଞ୍ଜି ନେଇକି ପାକଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ଗଛ ଲଗେଇକି ସେ ଦେଖିଲେ କି କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗେଡ଼ା ଗଛରୁ ସେ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଠି ବି ସବୁ ଗେଡ଼ା ଗଛ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ହିଁ ସେ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ, ସିଏ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା ବୋଲି ଆକୁ କୁହାଉଥିଲା। ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପିଓର ଡୁଆର୍ଫ ହେଲା, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗାକୁ ପିଓର ଟଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପିଓର ଟଲ୍ କି ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭାବୀକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଡମିନାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଡମିନାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ଅପ୍ରଭାବୀକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରିସେସିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା, ରିସେସିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ଗଛ ସିଏ ଲଗେଇଲେ, ଏଠି ଆଗେ ବୁଝ, ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା ଗଛ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା ଗଛକୁ ଯେ ତାକୁ ସଂକରଣ କଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗାକୁ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ନେଲେ ହେଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଟି ସ୍ମଲ୍ ଟି ନେଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସଂକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସଂକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଟିକୁ ନେଇକି ରେଜଲ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ହିଁ ସବୁ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଭାବିଲେ ମେଣ୍ଡେଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଡ଼ା ଗଛ ନେଇଥିଲି, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳରେ ଖାଲି ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଆସିଲା, ହେଲେ ଯେଉଁ ଗେଡ଼ା ଗଛର ଗୁଣଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ F1 ପିଢ଼ି ଏହା ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛୁ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ F1 ପିଢ଼ିରେ ସବୁ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଦୁଇଟା ଡେଙ୍ଗା ଗଛକୁ ସେ ନେଲେ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଡେଙ୍ଗା ଗଛକୁ ନେଇକି ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଂକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସଂକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା, ଦେଖିଲେ ତ କିଛି ଡେଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଗେଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ଯେଉଁ ହେଲା, ତିନିଟା ଡେଙ୍ଗା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗେଡ଼ା ହେଲା, ସେ ତିନିଟା ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଡ଼ା ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଗେଡ଼ା ଗୁଣଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା, ଖାଲି ଡେଙ୍ଗା ଗୁଣଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗେଡ଼ା ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଡେଙ୍ଗା ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଗେଡ଼ା ଗୁଣଟା ଅପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବା ଅପ୍ରଭାବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ, ସେ ଭାବିକି କେତେ ପାଇଲେ, ତିନିଟା ହେଲା ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗେଡ଼ା। ଖାଲି ଡେଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା ଗେଡ଼ା ଗୁଣକୁ ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି କରିନଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ଯେଉଁ ଆମ ବିକଳ୍ପ ଗୁଣ ସବୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଲ କୁଞ୍ଚିତ ମଞ୍ଜିର ଆକାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଆଉ ଶାଗୁଆ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଫୁଲର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କରକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ନା ସେ ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ପାଇଲେ। କ'ଣ ଅନୁପାତ ପାଇଲେ, ସେଇଟା ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ ଏକ ସଂକରଣର ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ପାଇଲେ ହେଲା। ସେଇ ଯେ ଏକ ସଂକରଣ ଅନୁପାତକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ମୋନୋ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ରେସିଓ, ହେଲେ କେତେ ପାଇଲେ ସେ ରେସିଓଟା, ରେସିଓଟା ହେଉଛି 3:1। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଅନୁପାତଟା କେତେ ରହିଲା, ସେ ଯେ ପାଇଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ 3:1 ହିଁ ରହିଗଲା, ମାନେ ତିନିଟା ଡେଙ୍ଗା ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ଗେଡ଼ା ଗୁଣ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଭାବ, ସେ ତିନିଟା ଡେଙ୍ଗା ଗୁଣ ତିନିଟା ଗେଡ଼ା ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେ ପାଇଥିଲେ ସଂକରଣ ଅନୁପାତ, ତାକୁ ନେଇକି ମେଣ୍ଡେଲ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟା ନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେଲା, ବା ଉପସ୍ଥାପନ ସେ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଗରେ ଦେଖିନିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ନୀତି କ'ଣ ନିୟମ କ'ଣ, କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ଭିତରେ, ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମ ଯେ ନୀତିଟା ସେ ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏକକ ଗୁଣ ନୀତି ହେଲା। ଏକକ ଗୁଣ ନୀତିକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା। ଏକକ ଗୁଣ ନୀତିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ଦେଲେ, ତା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଭାବ ଗୁଣ ନୀତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ୍ ଡମିନାନ୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେ ନିୟମଟା ହେଉଛି ପୃଥକୀକରଣ ନିୟମ ବା ପୃଥକକରଣ ନିୟମ, ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଲ ଅଫ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଲ ଅଫ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନକୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ, ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି
माने सबु क्षेत्र रे ग्रहण जोगी ताले एबे मु पार्थक्य गुटे देखेबी नीति आउ नियम भितरे पार्थक्य कोन नीति कोन ताले नीति भलसे बुझो नीति जे कि माने ताको विश्वरे ताको ग्रहण करी होबो नाही किछिटा क्षेत्र रे सेटा ग्रहण जोग्य किंतु सबु क्षेत्र ताको हम ग्रहण करि परिबा नाही किंतु नियम एमिति गोटे जोटा कि तत्वटा है जोटा द्वारा कि विश्व जाकर सब क्षेत्र सेटा ग्रहण जोगी ताले ग्रहण जोगी है से नियम आ ग्रहण जोगी केतरा केस रे जदि ग्रहण करा हो तो से हो नीति बुझेला नीति और नियम भितर से भितर जो पृथ्वीकरण नियम टा बहुत बहुत इम्पोर्टाट कौन भाई एटा हूँ यूनिभर्साल एक्सेप्टेड मैंने विश्व सबुआड़े आपको एक्सेप्ट कर ग्रहण कर ताले ए जो पृथककरण नियमटा को फास्ट आम पूरा भलसे पढ़ा बुझे ए देखिए पृथककरण नियम जोटा कि भेरी भेरी इम्पोर्टाट मुझी ताले एठी मध्ये मु लिखि दउची भेरी भेरी इम्पोर्टाट कौन पाई एटा इम्पोर्टाट एबे तुम्हें जानपर यार भैल्यू के मेंडेल प्रथम नियम बोली कहुए जो मेंडेल गोटे प्रथम नियम बोल कि किए कही को वैज्ञानिक फास्ट जो तीन जन वैज्ञानिक आसते डी ब्रिज आउ करेन्स आउ सेनमार्क से भितर करेन्स ताले करेन्स कौन कले लिखि नब करेन्स सीए कौन कहले ना ये जो मेंडेल जो नियमटा फास्ट देते पृथककरण नियम ताकु सी आख्या देदेले गोटे ल हिसाब से आगर ल हिसाब से आख्या और मान्यता मिल ना ताकु मान्यता किए देते करेन्स से वैज्ञानिक करेन्स सी आख्या को देते गोटे नियमर आख्या देते बुझेगा तो नियमर आख्या देखिए से कहले एटा हूँ मेंडेल को प्रथम नियम बुझेगा तापर आपको कौन कहले ना आपको आम ल ऑफ नॉन मिक्सिंग आलिली मध्य कोई परिवा ए आलिली माने कौन इटा उड़िया रे लिखित नखो कारको कारको ताले कारको गुड़ा केवे भी मिसोंती नहे मतलब से माने तांकर सत्ता केवे हरांती नहे सब अलग अलग रहिले मध्य से माने तांकर जो की कारको बा तांको गुण कौन से माने केवे भूलंती नहे ताले लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ आलिली मध्य ताको रुहा जाए से भाई आ गोटे टर्म ने आपको कौन कहुए ल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट गेमेट माने कौन ओडिया रे लेखि नियो गेमेट माने कौन जुग्मक जुग्मक बुझेला से जे जुग्मक गुड़ा पूरा प्योर माने शुद्ध रूप से सब था जिते थर भी पीढ़ी पर पीढ़ी गलापर भी से निजर गुण को बजाय रखि था तीन टा जाक ना से पृथककरण नियम को ही दि जाए फास्ट हूँ मेंडेल प्रथम नियम कहला आउ के भी से कारक गुड़ा मिसंती ना बोली कहला आ गोटे कौन कहला कि से मिसिले मिसला से जो जुग्मक तेरी से जुग्मक तार प्योर मैंने शुद्ध फर्म सब पाइब बुझीला ताले ये जो तीन टा नियम को लेकिन आम जब परीक्षा करवा मुझे कारक कौन बुझे चेषा करी अगर बुझ भलसे गोटे टर्म ताले तुम मन तुम जाच जीन आ गोटे जाच गुण सूत्र ये बुझीज सब है गुण सूत्र आ गोटे हूँ एवं कहली कारक आ गोटे जुग्मक ये गुड़ा कौन आगे बुझ तु जाच क्रोमोजोम जोड़ा है कि था ना ना जो गोटे क्रोमोजोम कली जे क्रोमोजोम के जीन गुड़ा केमती था जोड़ा गुण सूत्र गुड़ा जोड़ा है था बुझेगा तेल जी जोड़ा है था जो एटा गोटे जोड़ा ना ना ताले आम आपको गोटे जोड़ा गोटे जुग्मक कहीपर आपको गोटे जुग्मक कहीपर ताले जुग्मक ताले जान लो से जुग्मक भितर आम कारक कौन से बुझ है कारक गुड़ा सब बड़े गोटे समस्थान अवस्थान करते समस्थान मान कौन मान थर गोटे जीन रे है विकल्प गुण जुग्मक जो गुड़ा विकल्प गुण गुड़ा भितर किसी कारक था धर जो यही जुग्मक ये कारकटा अच्छी ए जुग्मक ये कारकटा अच्छी कारक मान गुण है ये धर कैपिटाल टी कारक अच्छी स्मॉल टी कारक अच्छी मैंने सब बड़े गोटे स्थान ही अवस्थान करेंगे मैंने डेगा गुणटा यार गेड़ा गुणटा है सब गोटे स्थान में कारक होते गोटे क्रोमोजोम भितर एत बुझीगे यहाँ तुम प्रीवियस लेक्चर गुटा पाइज है आहरी लेक्चर जो पढ़ा आग को से गुड़ा तुम यहाँ पाइज तो ये खाली कनसेप्ट क्लीयर कली जुग्मक कौन कारक कौन गुणसूत्र तो तुम आगर भी पढ़ी जीन भी आगर भी पढ़ी त
अरे जुग्मक भितरे कारक थांती आउ जुग्मक कोन करे बा जीन कोन करे गोटे फुलर कलर आसीबो ना नाही सेटा के डिफाइन करिवो जीन कारक कोन डिफाइन करिवो कारक से फुलर की रंगर फुटिबो सेटा हला कार काम कारकर काम बुझी हला ती की कांसेप्ट ताले देखो जे पृथककरण नियम रे जदी आमे कोन करिबा धर गोटे मिलिंग एरे जे भल से बुझिवो ধর গোটে ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি নেলি আউ গোটে স্মল টি নেলি তাহলে এইটি দেখ কোন হল এইটা যেতবে এটা ধর গোটে গুণ বিকল্পী গুণ ইয়ে মধ্যে গোটে বিকল্পী গুণ যেতবে আমার অর্ধ বিভাজন হয়ে যাব এই দুইটার অর্ধ বিভাজন হল গোটে ক্যাপিটাল টি আউ গোটে ক্যাপিটাল টি হব না নাই ইয়ার যেতে আমি অর্ধ বিভাজন করিবা গোটে স্মল টি আউ গোটে স্মল টি আসিব না নাই তাহলে অর্ধ বিভাজন হওয়ার দ্বারা কোন হচ্ছে কারক গুড়া বিভাজিত হয়ে বিভাজিত হচ্ছেন কিন্তু সেমানে তাঙ্কর যে সত্তাটা মানে ইয়ার যে গুণ অছি সে বড় গুণ দেখিব বা ডেঙ্গা গুণ দেখিব সে হরাউনি ইয়ে মধ্যে তার গেড়া গুণটা কেবে হরাউ না এইটা হি কোন কুহাউছি পৃথককরণ নিয়ম যেটা কি অর্ধ বিভাজন সময়রে গোটে জোড়া কারক যেটা এটা আমি গোটে জোড়া হয়েকি যে গোটে জোড়া কারক কেবল প্রত্যেক যে যুগ্মককু যাই মানে এটা গোটে যুগ্মককু আসিলা ইয়ে মধ্যে গোটে যুগ্মককু আসিলা আসিবা দ্বারা কোণ হচ্ছে গোটে যুগ্মক সৃষ্টি হেলা বুঝিলা সে যুগ্মক সৃষ্টি হেলা সেই ভিতরে গোটে হচ্ছে প্রভাবী গুণ দেখায় আর গোটে হচ্ছে অপ্রভাবী মানে কিছু গুণ দেখা যায় আর কিছু গুণ দেখা যায় না তাহলে যে গুণটা দেখা যায় ধর ডেঙ্গা গুণটা দেখা গলা তাহলে সে কোণ হল সে ডেঙ্গা গুণ দেখেলা কিন্তু গেড়া গুণ দেখেলা না তাহলে এই যে গেড়া গুণ পাখু ইয়ে তাহলে পৃথক হেলা কি না হেলা আর কারক মধ্যে দুইটা পৃথক পৃথক গুণ প্রদর্শন করলে সেইপাই এই পৃথকীকরণ নিয়মটা পুরা ইউনিভার্সাল এটা একসেপ্টেড মানে পুরা বিশ্বরে বিশ্বরে চারি এটা আর এটা গ্রহণযোগ্য এই পৃথকীকরণ নিয়মটা বুঝি হল তাহলে এবে চল আউ গোটে নিয়মটা দেখিবা যেটা কি হচ্ছে একক গুণ নীতি সেটা নিয়ম নুহে এটা গোটে হচ্ছে নীতিটা এই নীতি মানে কোন আগে বুঝবা হ্যাঁ একক গুণ নীতিটা কোন এই যে একক গুণ নীতিটা সে কোন কহিলে মেন্ডেল না এই যে প্রত্যেক গুণ গোটিয়ে গোটিয়ে কারক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ধর যে গোটে ডেঙ্গা গুণটা হ্যাঁ আগে যে বুঝিবি গোটে ধর ডেঙ্গা গুণটা তা ভিতরে গোটে কারক এমিতি লুচিকি অছে যেটা কি আলিলি কারককে কোন কুহতি আলিলি আলিলি ভিতরে হি বা আলিলি সেটা কোন কুহছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করিকি রাখুছি বা সে তাকে কন্ট্রোল করছে তাহলে গুণটা কাহা দ্বারা কন্ট্রোল হেলা কারক দ্বারা কন্ট্রোল হেলা বুঝি হেলা তাহলে এটি মেন ক্যারেক্টর কাহার কারকর এই যে কারকটা তাকে নিয়ন্ত্রণ কলা সে কারকটা কেমতি থাকে সবুলে জোড়া হয়েকি থাকে মানে সে পেয়ার হয়েকি থাকে মিশিকি থাকে সবুলে আউ কোন কহিলে একক গুণ নীতির আউ গোটে কোন পয়েন্ট সে কহিলে এই প্রত্যেক যে জোড়ারে দুইটা যে এক প্রকার গুণ তা কিছু আমি বিকল্প গুণ বি থাইপারে খালি ক্যাপিটাল টি পাই পারিবানি আর গোটে জোড়ার হুয়ে তো গোটে ক্যাপিটাল টি আর গোটে স্মল টি থাইপারে যে সেইটা হি দেলে ফার্স্ট কহিলে প্রত্যেক গুণ গোটিয়ে গোটে কারক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আর সে কারক গুড়া কেমতি রহুচন্তি জোড়া হিসাবে রহুচন্তি আর সে জোড়া হুয়ে তো এক প্রকার হইতে পারে বা অলগা প্রকার মানে এক তো হোমোলগস হব হোমোলগস নহলে কোন হব হেটেরো তুমি জানিচ হেটেরো জাইগস বা হোমোজাইগস না তাহলে এক তো হোমোজাইগস হব বা হোমো টাইপ হব মানে হেটেরো টাইপ হোমো মানে সমান প্রকৃতির আর গোটে হেটেরো মানে অলগা প্রকৃতির বুঝি হল পয়েন্টটা তাহলে এই যে জোড়া হয়েকি রুয়ে এক তো সে খালি ডেঙ্গা গুণ দেখাই পারিব বুঝি হল যেটা কি টি টি রে আমি নেই পারিবা সে ভাল গেড়া মানে খালি স্মল টি হয়ে পারিব সে ধর আমি হলদিয়া গুণটা নেলে সে কেমতি দেখাইব ওয়াই ওয়াই দেখিব মানে জোড়া হয়েকি অনেক দেখিপারুছ কিন্তু জোড়া হয়েকি অনেক তাহলে এই যে জোড়া গুড়া নেইকি সে কোন কহিলে এই জোড়া যেতবে ক্যাপিটাল টি হ্যাঁ অর্ধ বিভাজন হব তোর মধ্যে গোটিয়ে যুগ্মককু যাইথায় মানে যুগ্মক পাখু কেটা যাইথায় সেই ভিতর যেটা হলে গোটে যাব এক তো এটা যাব মানে এটা যাব আর গোটে উদাহরণ নেই বুঝো তোর ক্যাপিটাল টি স্মল টি আছে তা যুগ্মক পাখু কেটা আসিব এক তো ক্যাপিটাল টি আসিব মানে স্মল টি আসিব সব দুইটা যাক একা সঙ্গে আসবে না এক তো এটা আসলে এটা আসবনি মানে এটা আসলে এটা আসবনি বুঝি হল তারপরে যাই সারা পরে সে যুগ্মক যেত গঠন হুয়ে
पूरा दुईटा जाक युग्म को कारक मिसिकी एक जोड़ा कारक हो जाती। तापर ए दुटा मिक्सिंग होती कि युग्म जब या बेले मिसी जा गोटे कारक हो जाए गोटे प्रकार ही गुण प्रदर्शन करेंगे। से गोटे गोटे प्रकार ही कौन आसा एकक शब्दा से व्यवहार कले जो कि एकक गुण नीति हिसाब से सी अवस्थान देते उपस्थापन करते बुझेना। एबे देखिबा आ गोटे नीति जोटा कि हूँ प्रभाव गुण नीति। जो प्रभावी गुण नीतिटा कौन आगे बुझा लास्ट जो नीतिटा गोटे प्रभावी गुण नीति से प्रभावी गुण नीति कौन ये आम बुझा तो या मु पूर्व कि कहली प्रभावी मान कौन जो देखा जाने यहाँ देखा जा देखा जाए प्रभावी गुण कहले तो प्रभावी गुणटा कमी के आगे तुम्हें बुझाप चेस्टा कर गोटे उदाहरण देखी मुझे बुझे चेस्टा कर। धरा जाओ से कौन कहले ये गुण नीति अनुसार जो आम एफ ओन पीढ़ी मैं जोटा कि यहाँ है एफ ओन पीढ़ी कौन होता जो आम देखा जा मानने जहाँ भी आम कारक सृष्टि जो विकल्पी कारक सृष्टि सी खाली कहार गुण प्रदर्शन करा ये जो विकल्प गुण कह खाली प्रभाव गुण रहीटा ही ये देखा गला मैंने खाली कौन है जोटा कि पर्पल गुणटा मैंने ए निला खाली पर्पल गुणटा ही से देखला किंतु धड़ार से गुण देखला ना से मेंडल कौन ए नीति कौन कहले ना धरा जाओ गोटे डेगा गुण अच्छी टी टी अच्छी आ गोटे स्मॉल टी अच्छी बुझेगा। तो जिते बड़े आंक भितर आम संकलन करवा यहाँ पार्ट डिवाइड हो अध विभाजन हो टी टी हो ये अध विभाजन हो स्मॉल टी हो दुटा भितर जो संकलन करवा से भितर जो है गोटे आसो ये भितर भी जो है गोटे आसो गोटे आसिक मैं दिज मिसिक गोटे कारक हो किंतु एटी ये जो यहाँ देखले तो ये डेगा गच है तो डेगा जो गच है तो ये क्या गुणटे से प्रदर्शन करा खाली ये शुद्ध डेगा गचर गुण प्रदर्शन कला किंतु गेड़ा गुण प्रदर्शन करा ना कि गेड़ा गुणटा लुचिकी अच्छे तेल किए पाक प्रदर्शन होगापी देना ये गोटे डेगा गुण अच्छी बोलिकी से गेड़ा गुण को प्रदर्शन होगापी देना ना बुझेगा। सीटा एफ ओन पीढ़ी से पाई कितु जो एफ टू पीढ़ी आसला से देखिए जदि पूरा सब शुद्ध गेड़ा ना है दुटा शुद्ध गेड़ा गच नहीं कि आम देखा जो खाली गेड़ा गच ही आम कौन कहीपर एटी डेगा गुणटा ना मैं ये डेगा गुणटा ना बोली क्यों गुणटा प्रदर्शन है गेड़ा गुणटा प्रदर्शन है यहाँ ही जो प्रभावी गुण नीति ल अफ डोमिनेंस बोली कहुए बुझेगा। तो आउ थे सामारी कर मैंने से कहते डेगा गुणटा है जो डेगा गुणटा जो रही सी आउ गोटे गुण को सब दबेक रखुचे प्रदर्शन होगापी देना से तार प्रभाव गुणटा कह प्रभाव गुण से डेगा गच व शुद्ध डेगार प्रभाव गुण बोलिकी मेंडल प्रदर्शन करा। आशा कैं भिडियो तुम पूरा डाउट क्लीयर हो जदि भी किसी डाउट थी तेल कमेंट बॉक्स रे तुम्हें मत डाउट पचारि पार धन्यवाद।